Today's inspiration. It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone's heart. किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी का दिल को जीतना बहुत ही मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। वीडियो है वो लौंग के बारे में। जी हाँ, लौंग हमारे दांतों के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आयुर्वेद के अनुसार लौंग एक औषधीय रूप में हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कई रोगों में ये लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है या पेट की समस्या जैसे कब्ज से परेशान है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सुबह की शुरुआत लौंग से करेंगे। कई रोगों में लौंग रामबाण की तरह काम करता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। लौंग के अंदर में प्रोटीन, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। लौंग के अंदर में यूजेनॉल, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे सर दर्द में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप अगर लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं सर दर्द के लिए, तो आपको एक गिलास दूध के साथ थोड़े से लौंग का पाउडर लेना चाहिए। इसके साथ ही आप लौंग का तेल भी अपने सर दर्द में लगाकर आराम पा सकते हैं। लौंग के अंदर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में यह हमारी मदद करता है, संक्रमण और इन्फेक्शन से हमें बचाता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में हमारी बहुत मदद करता है। लौंग पाचन एंजाइमा स्राव को बढ़ाती है। अगर आप लौंग का सुबह सेवन करते हैं तो ये आपके पाचन की समस्या को दूर करता है, अपच की समस्या को दूर करता है और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर में फाइबर भरा होता है। तो आपको अगर पेट की कोई भी समस्या है तो लौंग का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। लौंग के अंदर में यूजेनॉल पाया जाता है जो हमारी लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमारे लिवर को बेहतर बनाता है और लिवर हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। तो इसीलिए आप लौंग का सेवन करें। अगर आपको लिवर की कार्य क्षमता बढ़ानी हो या फिर अपने शरीर को डिटॉक्स करना हो तो लौंग का सेवन जरूर करें। लौंग के अंदर में फ्लेवोनॉइड्स, मैग्नीज और यूजेनॉल पाया जाता है। ये तीन चीजें आपके हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये हड्डियों की डेंसिटी तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हड्डियों और उसके जॉइंट्स के हेल्थ को भी बढ़ावा देता है। तो अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उसकी डेंसिटी और हेल्थ बढ़ाने के लिए आपको लौंग का सेवन जरूर। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम हो जाना बहुत आम बात है और इससे छुटकारा पाने के लिए लौंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद करता है। इसके लिए आप लौंग का सेवन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि लौंग को मुंह में रखकर उसका रस पिएंगे, इससे भी फायदा मिलता है। दूसरी बात, लौंग की चाय पी लें या फिर लौंग का पानी भी आप पी सकते हैं, इससे सर्दी जुकाम तो जाते ही, साथ ही साथ हमारे गले में जो खराश होती है उससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है या फिर बेचैनी हो रही है तो आपको लौंग का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लौंग के अंदर में संवेदनाहारी गुण पाए जाते हैं जो कि आपके दांतों के दर्द और बेचैनी में आपको राहत और आराम देते हैं। दांतों के दर्द में आप लौंग का तेल भी दांतों पर लगा सकते हैं। तो ये था लौंग के ऊपर में ढेर सारी जानकारियां और उसके लाभ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।